अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। भारत पूरे विश्व भर में अपनी अनोखी संस्कृति व परंपराओं के लिए जाना जाता है। यह देश त्योहारों का देश है और यह सभी त्योहार हमारे संस्कारों तथा वैदिक परंपराओं को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम है। इनमें से एक त्योहार अहोई अष्टमी का है, जिसमें सभी माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु और मंगलमय जीवन के लिए उपवास रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि अहोई अष्टमी का व्रत करने से अहोई माता खुश होकर बच्चों की सलामती का आशीर्वाद देती हैं। संतान की सलामती से जुड़े इस व्रत का बहुत महत्व है। इस व्रत को हर महिला अपने बच्चे के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए करती हैं। कुछ महिलाएं इस व्रत को संतान की प्राप्ति के लिए भी करती हैं। अहोई अष्टमी का यह व्रत अति फलदायी है। यह व्रत करने से सभी मनोकामनाएं, मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। बड़ा ही शक्तिशाली व्रत है अहोई अष्टमी का यह व्रत। संतान की रक्षा, उनकी दीर्घ आयु के लिए माताओं द्वारा रखे जाने वाला अहोई अष्टमी का व्रत अति फलदायक है। अहोई अष्टमी व्रत पूजा की विधि कुछ इस प्रकार है। प्रातः काल सूर्योदय से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद कुछ फल इत्यादि खाते हैं। मंदिर जाना अथवा घर के मंदिर में पूजा की जाती है। पूरे दिन निर्जल व्रत रखना भी प्रचलित है। शाम के समय बच्चों के साथ बैठकर अहोई अष्टमी माता की पूजा करते हैं। दीवार पर अहोई अष्टमी माता की तस्वीर बनाते हैं अथवा एक चित्र लगाते हैं। शाम को तारा निकलते ही उसको जल व खाना अर्पण करके ही व्रत खोलते हैं। अहोई अष्टमी पूजा की सामग्री कुछ इस प्रकार है। पूजा सामग्री चावल, रोली, मोली अथवा धूप की नाल, यह सभी सामग्री अहोई अष्टमी व्रत में प्रयोग की जाती है। अहोई अष्टमी पर्व से संबंधित विभिन्न पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं को पूजा करते समय स्त्रियां एक दूसरे को कथाएं सुनाती हैं। आइए अहोई अष्टमी व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी, जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं, तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी ले रही थी, उसी स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मार दिया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है।
इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ इस प्रकार से यह भी होता है, अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। कैसी लीला है अहोई अष्टमी व्रत की, जो अनहोनी को भी होनी कर देती है और मनोवांछित फल देती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। अहोई अष्टमी व्रत से संबंधित एक और कथा प्रचलित है, जो कुछ इस प्रकार है। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करे और व्रत करे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रख कर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। ऐसा फलदायी व्रत है अहोई अष्टमी का। और अधिकतर जगहों पर छोटे बच्चों के गले में माता अहोई की माला पहनाई जाती है, जो दीपावली तक पहनी जाती है। अगर आप माला न पहना सकें तो बच्चों के गले में चांदी की चेन या अहोई माता को चढ़ाया हुआ सूती धागा भी बांध सकते हैं। अहोई माता यानी गौरा जी की पूजा का दिन है अहोई अष्टमी। माँ पार्वती का ही स्वरूप है
अहोई माता। इस व्रत के करने से माँ पार्वती व भगवान भोले शंकर प्रसन्न होते हैं और बच्चों को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन पुत्रवती महिलाएं या जो महिलाएं गर्भवती होती हैं वो इस अहोई आठे के व्रत को रखती हैं। लेकिन आजकल बेटा हो या बेटी, हर स्त्री अपने बच्चे की रक्षा व लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती है। इस व्रत में तारे को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है और फिर अहोई माता को भोग लगाकर अपने बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया जाता है। पुत्रवती माताएं यह व्रत अपनी संतान को किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचाने के लिए रखती हैं। जो माताएं यह व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से करती हैं, उनकी सभी संतानों की हर प्रकार के दुख, रोग व गंभीर दुर्घटनाओं से रक्षा स्वयं अहोई माता करती हैं। बड़ा ही शक्तिशाली व्रत है अहोई अष्टमी का। सभी माताओं और बहनों को अपने संतान की दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए अहोई अष्टमी का यह व्रत संपूर्ण श्रद्धा भाव और भक्ति से करना चाहिए। और इस प्रकार यह व्रत कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलो अहोई माता की जय।